नमस्कार दोस्तों, फैक्ट्री में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विशाल बजाज। डेरा सच्चा सौदा सिरसा आश्रम के बाहर हम खड़े हैं, बातचीत कर रहे हैं जो श्रद्धालु डेरा से बाहर आ रहे हैं। अंदर आज क्या क्या प्रोग्राम किए गए, बातचीत करते हैं उनसे। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजय कुमार है। विजय कुमार जी, डेरा के अंदर आज देख रहे हैं कि बहुत ही भारी तादाद में लोगों का हजूम इकट्ठा हुआ है। क्या प्रोग्राम हुए, क्या क्या अंदर काम किया गया? अंदर आज एक खुशियों का झूमर लुटाया बाबा जी ने, हमें आज उनका बर्थडे सेलिब्रेट किया। लाखों करोड़ों लोगों ने आके अपनी बुराइयां छोड़ी आज के दिन। उन्होंने बुराइयां छोड़ी हैं जो बाबा जी ने हमें सिखाया। 3 प्राण दिए हमें, कभी किसी जीव जंतु की हत्या नहीं करनी चाहिए। प्रेम सिखाया हमें, हर किसी से प्यार से रहना चाहिए। जी जी, हाँ जी, एक प्रेम का सबक सिखाया है बाबा जी ने हमें। जी जी जी, बस आज समाज को उनकी कितनी जरूरत है? समाज को उनकी बहुत ज़्यादा जरूरत है। एक क्यों जरूरत है? 30 दिन के पैरोल पे आने के बाद एक बार फिर से जनता ने, लाखों करोड़ों लोगों ने दोबारा बुराइयां छोड़ी, जो कि उनके आने से ही पॉसिबल है ये। हाँ, अच्छे इंसान को भी देख के राजी नहीं होता, लेकिन जब वो आते हैं लाखों करोड़ लोग झूम उठते हैं। ऐसा जनसैलाब आज मेरे को दिल्ली में भी नहीं होगा जो 15 अगस्त पे लाल किले पे जो डेरा सच्चा सौदा में हो रहा है। एक बार फिर से जनता झूम के आई है, संगत झूम के आई है, एक अपने ऐसे फादर का बर्थडे मनाने के लिए यहाँ लोग झूम के उठे हैं। लाखों करोड़ों लोगों ने डांस किया, जो लोग नशा पता खा के डांस नहीं कर सकते यहाँ बिना कुछ किए, इतनी खुशियाँ झूमे जो हम कभी सोच भी नहीं सकते। गुरु जी यहाँ नहीं है, फिर भी आप लोग आ रहे हो, इतना अटूट विश्वास आज भी आपका क्यों है? वो हमारे अंग संग है। एक दुनिया की नज़र में वो चाहे कहीं भी हैं, एक मिशन पे गए हुए हैं या जो भी मालिक की कृपा है, बट वो हमारे अंग संग रहते हुए हमारी संभाल कर रहे हैं। किसी चीज़ की कमी नहीं आने देते, पल में हमारे साथ आके खड़े होते हैं। ऐसे इतनी जनता का एक माइंड है जो कि इतनी टूट के पड़ रही है। कुछ मिलता होगा तभी आती है। एक मैं दोस्त को कह दूँ चलते हैं, अब वो कहेगा नहीं। या करोड़ों लोग आए हैं, कुछ मिलता तभी। गुरु जी हमारे अंग संग हैं और अंग संग ही रहेंगे। क्या शिक्षा मिलती है उनके सत्संगों में, किस तरह से शिक्षा दी जाती है? बस वो कहते हैं कि हक्का हलाल की कमाई करो, कभी किसी झूठ मत बोलो, एक नशे पत्ते की तरफ मत जाओ, एक देश का भला चाहो जिसकी हमें बहुत जरूरत है। एक भाई भाई को देख के राजी नहीं है, देश की नींवें खोखली होती जा रही हैं। जो भी यानी कि लोग देख के राजी नहीं है वो लोग गलत काम करते हैं, लेकिन बाबा जी की ये शिक्षा है, एक प्रेम भावना, बस नाम जपो और प्रेम करो, बस ये पाठ पढ़ाया जाता है हमें। सबसे निस्वार्थ प्रेम करो, नी बेगर्ज। गुरु जी किस धर्म की शिक्षा देते हैं? डेरा के अंदर किस धर्म के लोग आते हैं? गुरु जी की सर्वधर्म संगम है, चारों धर्मों में एक ही बताया गया प्यार का पाठ, और चारों धर्म में एक ब्लड का जो रंग है लाल ही बताया गया। कभी यहाँ भेदभाव सिखाया नहीं गया कि कोई मुसलमान है कोई सिख है कोई, आप लाखों करोड़ लोगों को देखो किसी ने भी नहीं सिखाया कि हम सिख हैं ईसाई हैं मुसलमान हैं। मैं तो नहीं मानता कभी गुरु जी ने ये पाठ सिखाया हो। सब एक है, सर्वधर्म संगम। बाबा जी की जो शिक्षा है, जो हमें सिखाई जाती है वो हम बता रहे हैं, जो भी बताना आ रहा है जिस हिसाब से। बाकी बाबा जी आ जाएं तो हमें खुशी होगा, एक जनसलाभ और मिलेगा। लास्ट में हमारे माध्यम से गवर्नमेंट से क्या अपील करना चाहेंगे? गवर्नमेंट से हम तो कहते हैं बाबा जी को हमें अभी आना चाहिए हमारे पास। हाँ, जो लाखों करोड़ लोग, 30 दिन में करोड़ों लोग दोबारा जुड़े हैं, जो परमानेंट बाहर आ जाएंगे, शायद खरबों लोग देश को भी आगे लेके जाएंगे, नशा पत्ता ही बंद होगा, देश एक दोबारा उन्नति की तरफ जाएगा जो कि बहुत पीछे चला गया। जी जी, थैंक यू सो मच सर। तो ये लोग समाज के रहने वाले लोग बता रहे हैं कि किस तरह इन्होंने अपने गुरु जी का बर्थडे सेलिब्रेट किया, और अंदर डेरा के अंदर मानवता भलाई के काम किए गए, पौधारोपण लगाया गया और देश को आगे ले जाने के लिए कार्य किए गए। मांग कर रहे हैं लोग जल्दी से जल्दी समाज के बीच उनको लाया जाए। आपके क्या विचार है वीडियो के नीचे जरूर कमेंट करके बताएं। सच का साथ देने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। देखते रहे, जुड़े रहे द फैक्ट के साथ। धन्यवाद। Subscribe to our channel and press the bell icon.